इसका भी मैटर हो, जमीन जिस पे घर बनाया है वो जमीन इनकी है जी। ये आप मान रहे हैं ना? मैं मान रहा हूँ क्योंकि कागज है ना जी। आप लेखपाल हैं, मालिक नहीं हमें, ठीक है। जब जमीन इसकी है, ये उदारता दिखा रहे हैं, किसी और ने अपना मकान बना लिया, आप बाकी की जमीन भी हड़पाने में मदद कर रहे तो गड़बड़ होगी साहब। ये आदमी उदारता कर रहा है, अपनी जमीन पे किसी और व्यक्ति को घर बनाने दे रहा है, ऐसा कोई नहीं करता। बाकी की जमीन बची वो भी हड़प लोगे? आधे घंटे में खाली करा भैया, वरना उस जमीन के सामने मैं आके बैठ जाऊंगी। मकान जो बना लिया कोई बात नहीं, जो मेरी शेष जमीन है वो तो खाली कराई जाए। क्यों कराओगे? आज ही कराओ। मैम इसमें जो है 18-24 हो चुका है, इनके पूरा उसमें सीमांकन नहीं है। गलत रिपोर्ट लगाते हैं, गलत रिपोर्ट लगाते थे, अभी मेरे घर गए नहीं। मैम जा चुका हूँ घर, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। कहते हैं देंगे आप, चाहे जहाँ आएगा मेरे। मैम ये बात है, इसमें बोला मैंने रिपोर्ट, बाकी इनका कोई मांग नहीं। खाली कराए, खाली कराए, खाली हो चुका है। ये उनकी जमीन है ना, हाथ दिखवा लीजिए। खाली नहीं है उनकी जमीन पे, किसी और का कब्जा क्यों करवा रहे हैं आप? उनकी जमीन वो मैम नवीन पति ग्राम सभा है। अरे उनकी जमीन है ना, जिसमें घर है। घर पे तो हाँ मैम, इन पे घर तोड़ना है क्या? नहीं मैम, घर आप ये बोल रहे हैं। मैम इनका खरिंजा का मैटर था भाई, किसका भी मैटर हो, जमीन जिस पे घर बनाया है वो जमीन इनकी है जी। ये आप मान रहे हैं ना? मैं मान रहा हूँ क्योंकि कागज है ना जी। आप लेखपाल हैं, मालिक नहीं हमें, ठीक है, पक्का ना? तो जब जमीन इसकी है, ये उदारता दिखा रहे हैं, किसी और ने अपना मकान बना लिया, आप बाकी की जमीन भी हड़पाने में मदद कर रहे हैं तो गड़बड़ होगी साहब। खाली कराइए अभी आधे घंटे में, वरना इनको इनका जमीन का पूरा हक दिलवाइए और घर तोड़िए। फिर वो मंजूर है आपको? ये आदमी उदारता कर रहा है, अपनी जमीन पे किसी और व्यक्ति को घर बनाने दे रहा है, ऐसा कोई नहीं करता। बाकी की जमीन बची वो भी हड़प लोगे? आधे घंटे में खाली करा भैया, वरना उस जमीन के सामने मैं आके बैठ जाऊंगी। अरे मैडम जी बैठ जाइए, मैम बैठिए। रुक के भैया, रुक जाओ। ए भैया, चलने फिरने वाले नेता हैं, तुम्हारी तरह बैठने वाले नहीं है। आधे घंटे में बैठे वाले भेद भी समेटिए, बोला लौटी है। एक सेकंड, दूसरा बात, क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अंशु। सिर्फ लेखपाल, मैं सिर्फ सांसद, ठेकेदार नहीं हूँ। आज नौकरी है, कल ये सारी चिल्लाट होगी ना जनता से, नहीं रहेगी। हम नौकर हैं, लोग मालिक नहीं है। अगली बार धौंस ना जमाना करिए।